ये है टाइगर टेरिटरी और यहीं पर ही टाइगर ने काफ़ी बार हमला किया है लोगों पर। और हम अभी तक की बात करें तो हमारे नॉलेज में 12 लोगों को टाइगर अभी तक खा चुका है, जिसमें से अभी कुछ दिन पहले ही एक स्कूटी सवार को उठा के लेके गया था लास्ट टाइम, और एक स्कूल टीचर पर हमला किया है, और एक अमरोहा के इंसान पर भी हमला किया था, उसने जो बाइक से पीछे उतारा था वो यहीं पर था एग्जैक्टली इसी लोकेशन पे टाइगर ने हमला किया था। रात को देख सकते हैं सिर्फ यहाँ ट्रक वगैरह ही रहते हैं, 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स बहुत नाकी बराबर। ये ट्रक्स भी वही हैं जो सारा सामान लेकर जाते हैं पहाड़ों में, रानीखेत अल्मोड़ा, सारा सामान रामनगर से ही जाता है, जितना भी जनरल स्टोर का सामान होता है या फिर डेली यूजेस का। आप देख सकते हैं यहाँ अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, फिर भी कोई व्हीकल आपको नहीं दिखेगा सिवाय सन्नाटे के। 4 व्हीलर से यहाँ आना सेफ है, लेकिन 2 व्हीलर से अवॉइड करें, यहाँ आने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जगह जगह पर बोर्ड आप देख सकते हैं जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा लगाए गए हैं, ये देखिए यहाँ भी लिख रखा है आपको, हाथी बहुमूल्य क्षेत्र जो कि एलिफेंट कॉरिडोर कहलाता है। मे बी 100 ईयर्स पहले या फिर और भी ज़्यादा सालों से यहाँ पे एलिफेंट कॉरिडोर रहा है, हाथियों को आने जाने का रास्ता, जो कि पानी के लिए माइग्रेट करते हैं, इधर से उधर ट्रेवल करते हैं पानी की तलाश में। तो ये हाथी बहुमूल्य क्षेत्र है, हाथियों का खतरा यहाँ बना रहता है। बहुत ही खूबसूरत जंगल है, अगर आप आएँ तो यहाँ प्रकृति का आनंद लें। कभी भी गाड़ी से उतरे ना, कभी भी कोशिश ना करें कि हम गाड़ी से उतरें कुछ इंजॉयमेंट करें। बाहर से दिल्ली NCR से लोग आते हैं और वो यही गलतियाँ करते हैं कि बाहर उतर जाते हैं, और कभी भी नहीं पता कि आपको कहाँ पर टाइगर मिल जाए, टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, और इसी वजह से ही हादसे होते हैं कि हम लोगों से चूक होती है और कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है। अगर आप आ रहे हैं तो पूरी सावधानी के साथ आएँ, अपने रिस्क पर आएँ, हो सके तो रात को अवॉइड करें इस एरिया में ट्रैवल करने के लिए। मे भी कुछ भी हो सकता है कि आपकी गाड़ी पंचर या XYZ कुछ भी आपका कुछ हादसा होता है, तो उससे बचने के लिए आप दिन में ही ट्रैवल करें इस रास्ते पर। अगर आप रानीखेत जा रहे हैं अल्मोड़ा इस रास्ते से रामनगर के थ्रू, वरना आप नैनीताल के थ्रू जा सकते हैं, काठगोदाम के थ्रू जा सकते हैं। ये एक रप्टा टाइप का है जहाँ पर बरसातों में रेनी सीजन में पानी भर जाता है। लोकेशन दिखाएंगे जहाँ से स्कूटी से एक बंदे को अभी कुछ दिन पहले रामनगर के टाइगर लेकर चला गया था। 3 लोग सवार थे स्कूटी पर और पीछे से एक बंदे को लेकर चला गया, और उसका शरीर भी शायद दूसरे दिन फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने रिकवर किया था जंगल से। कहा जाता है कि वो 3 लोग कुछ यहाँ पर आए थे रात को, इरादे से आए थे। काफी लोग यहाँ पे मौज मस्ती के चक्कर में आते हैं जो कि हादसे का शिकार हो जाते हैं।
है नदी का शोर, यहाँ पे टाइगर की साइटिंग होती रहती है हर दूसरे तीसरे दिन। अभी थोड़ी देर पहले हम एक ढाबे पर भी थे लोकल, तो हमें भी एक हिरन की कॉल सुनाई थी जो कि अलार्म कॉल होती है, और हिरन वगैरह जो इतने डियर्स हैं डियर फैमिली वो तभी कॉल करते हैं जब कोई बिग कैट की प्रेजेंस उनको महसूस होती है। सारी चीज़ें आपको मिलेंगी देखने को, एलिफेंट, टाइगर, क्रोकोडाइल, स्कल्स वगैरह, स्केलेटन्स वगैरह मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टोरीज वगैरह उन लोगों ने लगा रखी हैं म्यूजियम में, जो आप यहाँ के एंजॉय कर सकते हैं। कॉर्बेट के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं जिम कॉर्बेट म्यूजियम में आकर। ये आपको अराउंड 12-13 किलोमीटर पड़ता है रामनगर से, पूरा जंगल का एरिया है। तक हमें कोई भी जंगली जानवर की साइटिंग नहीं हुई है, इवन कोई डियर भी नहीं मिली। बाकी हमें कॉल की, अलार्म कॉल की आवाज़ आई थी, बाकी हमें फिजिकली अभी तक कोई एनिमल नहीं देखा है। लेकिन इसमें कहा जाता है मोर देन 300 टाइगर्स हैं। लेट्स सी कि हमें कुछ दिखता है या नहीं, आज हमारा लक साथ देता है कि नहीं। रात हो चुकी है, अब हम
में पहुंचने वाले हैं। यहाँ से आई थिंक 2 किलोमीटर दूर है। साइटिंग हो जाती है रात में, और आज में भी ड्यू टू सम एक्स वाई जेड रीजन हमें अभी तक कोई डियर या एलिफेंट या फिर टाइगर की साइटिंग नहीं हुई है। लेट्स सी, अभी है रास्ता, देखते हैं आगे कुछ मिलता है नहीं। ये आगे गर्जिया माता का मंदिर है, लोग अपनी मनोकामनाओं के लिए आते हैं प्रसाद चढ़ाने, और कहा जाता है कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है यहाँ के लोकल्स की, और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं गर्जिया माता के मंदिर। उत्तराखंड की, अगर यहाँ कोई भी हादसा होता है, कोई टाइगर अटैक होता है या कोई एक्सीडेंट होता है तो आप X1 पर बोलिए, देयर आपको ये सर्विस मिलेंगी। हालांकि X1 पे आपको अदर सर्विसेज भी हैं, फायर ब्रिगेड, पुलिस एंड एम्बुलेंस। उत्तराखंड की बहुत ही अच्छी सर्विस है जो कि उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये आप देख सकते हैं एम्बुलेंस जा रही है किसी को लेकर या किसी को लेना। तो दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, शायद मेरे से अभी इतना ज्यादा बताया नहीं जा रहा है, पर हाँ आने वाले ब्लॉग्स में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। पूरा उत्तराखंड एक्सप्लोर करेंगे, और वंस वी आर डन विद दी उत्तराखंड तो फिर हम अदर स्टेट्स में भी ट्रेवल करेंगे। तो अभी मेनली रहेगा कि हम अपना उत्तराखंड ही एक्सप्लोर करें। ये देखिए गर्जिया चौकी, आप देख सकते हैं ये गर्जिया को लेफ्ट हैंड साइड में आप गर्जिया माता के मंदिर को रास्ता जा रहा है। हम किसी दिन पूरा ब्लॉग बनाएंगे यहाँ पे गर्जिया माता मंदिर आके। अभी हम बहुत लेट हो चुके हैं, तो अभी हम रामनगर की तरफ निकल रहे हैं टाइगर की तलाश में, क्योंकि
कुछ ही दिन पहले किसी टीचर के ऊपर हमला किया है जो सुंदर खाल से थोड़ा कुछ आगे ही था, तो हमें यहाँ के जो लोकल्स हैं हमारे फ्रेंड्स हैं उनसे कॉल आई थी कि यहाँ पर एक टाइगर ने किसी टीचर के ऊपर हमला किया है कुछ दिन पहले ही, ज़्यादा दिन नहीं हुआ अभी, तो बहुत एक्टिवली लोगों के ऊपर हमला कर रहा था वहाँ के कैटल्स पर, बाकी गाय भैंसों पर, और कुछ दिन पहले ही उसने एक टीचर पे भी हमला किया है। बाकी कुल मिला के 12 अटैक्स हो चुके हैं अभी तक जो कि डॉक्यूमेंटेड है, बाकी कुछ हो भी सकता है जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है, काफ़ी अदर भी होंगे जो हमें पता नहीं है अभी तक। चलिए क्योंकि आपको भी पता है रात में ट्रक ड्राइवर्स जो थोड़ा अपना माहौल बनाकर ही चलते हैं, मोस्ट ऑफ देम, सबको हम नहीं कह सकते लेकिन ज़्यादातर, तो कोशिश करें अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं रात को तो ट्रक से कम इधर 4-5 फुट की दूरी बनाकर रखें जब भी आप के पास से गुजर रहे हों, इतना कोशिश हो सकती है अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करें ऐसे जंगलों में, ऐसे बियाबानों में, ऐसी सुनसान इलाकों में, चाहे वो ट्रक वाले हों चाहे वो जानवरों से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़े। तो अभी ये झूला पुल वाला रास्ता आने वाला है गर्जिया का, जो काफ़ी लोग टूरिस्ट वगैरह प्रेफर करते हैं झूला पुल पर, जब गर्जिया मंदिर पर ज़्यादा रश होता है तो लोग पीछे भी आते हैं यहाँ पर झूला पुल पर, जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था झूला पुल, आज भी कायम है, लोग अभी भी जाते हैं वहाँ पे, प्री वेडिंग शूट वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जो लोकेशन है बहुत ही प्यारी है, हम किसी अदर ब्लॉग्स में आपको दिखाएंगे, वो भी कवर करेंगे, लोकेशन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, राफ्टिंग भी होती है आपका जब रिवर में पानी ज़्यादा होता है तो राफ्टिंग भी होती है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ का ब्रिज है, आपको दिखाते हैं जो कि यहाँ एक मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और जितनी भी पहाड़ों पे बसेस वगैरह जाती हैं तो यहाँ पर ना प्रसाद लेकर माथा टेक कर जाते हैं लोग, ऐसा मान्यता है कि जो क्योंकि यहाँ से पहाड़ शुरू होते हैं तो लोग यहाँ पर माथा टेक कर ज़रूर जाते हैं, जो भी प्राइवेट बसेस हैं वो यहाँ पर रुकती हैं, लोग यहाँ पर टीका लगाते हैं, कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं, तो हमारे फेंसिंग है, अगर आप शायद मैं इस वीडियो में आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, पर यहाँ पे दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फेंसिंग है जो कि एनिमल्स को दूर रखने के लिए काम आती है, ये जो रास्ता है ये जा रहा है आपका झूला पुल पर, जो लोकल्स हैं इलेक्ट्रिक फेंसिंग वगैरह भी यूज़ करते हैं यहाँ पर क्योंकि रात को एलिफेंट वगैरह का खतरा रहता है यहाँ पर, काफ़ी घरों पर अटैक भी होते हैं, किसी के घर तोड़ दिए जाते हैं क्योंकि जो अनऑथोराइज्ड हैं वो बिना ज़्यादा पक्के मकान नहीं होते हैं तो उन पर हमला करके उनकी दीवारें वगैरह तोड़ देते हैं, जो घर की कुछ खाने का सामान होता है उसको सुनते हुए वो आते हैं और फिर काफ़ी नुकसान करके चले आते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से सिर्फ आपको होटल्स ही मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं गर्जिया से रामनगर तक, अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं शादी का, अगर आप दिल्ली एनसीआर से या कहीं बाहर से हैं और पीसफुली कुछ चंद लोगों के साथ आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना बुकिंग कर सकते हैं,
सकते हैं नेचर के साथ। यहाँ पे एलिफेंट राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग सब होती है, रिवर राफ्टिंग और आपको पैराग्लाइडिंग भी होती है। पैराग्लाइडिंग आप बुक कर सकते हो लेकिन आपको वो नैनीताल वाले रूट पर मिलेगी, और होटल्स वाले यहाँ सारे अरेंजमेंट करा देते हैं। सफारी फिलहाल अभी यहाँ पर बंद है क्योंकि रेनी सीजन्स में बंद कर देते हैं, तो वो आपकी अक्टूबर में खुलेगी, अभी फिलहाल के लिए बंद है यहाँ पर। डिकोली से रामनगर तक का सफर, ये देखिए घना जंगल 40 किलोमीटर यहाँ पे आपको देख सकते हैं, बोर्ड्स जंगल के बोर्ड्स देखिए। वेलकम टू नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, घोसलो विद 40, पालन कर रहे हैं, हम भी 40 ही चला रहे हैं गाड़ी। लेट्स सी हमें क्या दिखता है अब। दोनों साइडों में घना जंगल, बीच में बहुत ही प्यारा रास्ता, और जंगल की खूबसूरती बरसातों में कुछ नेक्स्ट लेवल की होती है। अगर आप देखोगे जंगल में बहुत ही प्यारा नज़ारा होता है बरसातों में, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस वजह से आप कभी भी जंगल में एंटर करोगे तो आपको अलग ही एहसास होगा, ठंड का एहसास होगा, प्योरिटी का एहसास होगा, और आप अपने आप को फ्रेश महसूस करोगे।
मौसम में, क्योंकि रेन बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, पत्ते हरियाली तो उसमें बहुत मुश्किल से ही दिख पाते हैं, और इतना घना अंधेरा। Thank you.